मैं ऐसे आपको काट के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं कोफ्ते, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते की सब्जी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह की अगर वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं लौकी का कोफ्ता बनाना। पहले हम लेंगे लौकी, इस लौकी को हम काट लेंगे ऊपर से। सारी लौकी को हमने छील लिया है, लौकी को अच्छी तरह से पानी से धो लिया। इसके बाद हम इसे ग्रेटर की मदद से इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी जितनी भी लौकी है हमारी, हम इसे घिस लेंगे। हमने सारी लौकी को घिस लिया है। अब इसे हम हाथों की मदद से, इसका जितना भी पानी है इसमें, सारा हम पानी इसका निकाल लेंगे, क्योंकि इस लौकी में काफ़ी पानी रहता है। देखिए आपको देखिए कितना पानी है। इसे हाथों की मदद से निकाल लेंगे। इसका हमने एक बार पानी निकाल चुके हैं, इसको हम दोबारा से इसका पानी निकाल लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो सारा निकल आएगा। इसमें हम डालेंगे प्याज, फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, इसे बाइंड करने के लिए। इसमें हम 4 बड़ी चम्मच डालेंगे बेसन पहले, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच बेसन डाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेसन और डालना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से देख के डालिए ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, तो बाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो इस तरह से हमें, क्योंकि इसे बेसन इसलिए डाला था कि बाइंड करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा बेसन और मैं डालूँगी। ये अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम लास्ट में हम नमक डालेंगे। नमक हमेशा लास्ट में ही डालें, नहीं तो लौकी अपना पानी और भी छोड़ेगी, तो इससे कोफ्ते बनाएंगे वो सही से बन नहीं पाएंगे। नमक आप बाद में ही डालें। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसकी हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। देखिए मैंने सारी इस तरह से बॉल्स बना ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने पैन गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे एक एक करके। हमने कोफ्ते डाल दिए, जितने एक बार में आपके पैन में आए उतने ही कोफ्ते डालें आप। लो फ्लेम में ही पकाएं, क्योंकि इसमें बेसन है तो अंदर तक ये पक नहीं पाएगा। एक एक करके अब हम पलट लेते हैं। देखिए ब्राउन से हो गए हैं बिल्कुल अच्छे। इस तरह से हम दूसरी तरह से भी पलट के बस पका लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरी तरफ से भी हम पका लेंगे इसे। ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये कितने अच्छे बने हुए हैं कोफ्ते, ये देखिए बिल्कुल गोल गोल अच्छे से, क्योंकि अच्छी तरह से हर तरह से पक चुके हैं, बिल्कुल ब्राउन हुए हैं। इस तरह से हमें कोफ्ते तैयार करने हैं। वही ऑयल यूज़ करेंगे जो हमने कोफ्ते बनाने में यूज़ किए थे, फ्राई करने में यूज़ किए थे, तो वही ऑयल मैं डाल रही हूँ इसमें। जो हम डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, प्याज, तो मैंने पीस लिया था मिक्सी में। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा। और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए ये अच्छी तरह से कोफ्ते इस मसाले में कोट हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हम ग्रेवी बनाना है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हिसाब से रखिए, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है ग्रेवी, पानी आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा कम पानी डालना है तो आप कम डालिए पानी। ग्रेवी जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से रखिए। मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना है तो मैंने इतना ही डाला है, क्योंकि पकने में भी थोड़ा पानी चलेगा इसमें। बस
अब इसे हम ढक के पका देते हैं थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट में ही ये कोफ्ता हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है, अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं ऊपर से। और इसमें गरम मसाला डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको उसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हमारे कोफ्ते। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कोफ्ते की सब्जी तैयार कर ली है। अब हम इसे मैं ऐसे आपको काट के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं कोफ्ते। ये देखिए ये अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।